विनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी, इसलिए तो उसने माँ बनाई है। वेल दोस्तों, बॉलीवुड की फर्स्ट वुमेन सुपरस्टार श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें कितनी बार भी स्क्रीन पर देख लो मन ही नहीं भरता था। उनके चेहरे के नूर और एक्टिंग दोनों से ही निगाहें हटाना बेहद मुश्किल हो गया था। 24 फरवरी 2018 में सबकी चहेती चांदनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज भी उनके चाहने वालों का ये दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो हमारे बीच नहीं है। जब उनकी फिल्में टीवी पर आती है तो ऐसा लगता है मानो वो आसी पास हो। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। वो बचपन से ही काम कर रही थी। उन्हें देखकर दर्शक हैरान तो तब हो गए जब उन्होंने 13 साल की छोटी उम्र में ही तमिल फिल्म में रजनीकांत की मां का रोल अदा किया था। श्रीदेवी और रजनीकांत ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में 4 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में तकरीबन 22 फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें से 16 फिल्मों में से एक दूसरे को अपोजिट कास्ट किया गया। रजनीकांत श्रीदेवी ने जिस फिल्म में पहली बार साथ में काम किया था वो थी तमिल भाषा की फिल्म मुंद्रू मुदिचू, जो कि साल 1976 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। केबाल चंद के डायरेक्शन में बनी मुंद्रू मुदिचू में रजनीकांत के अलावा कमल हसन भी मेन लीड रोल में थे। मूवी में श्रीदेवी ने थलाइवा स्टार की सौतेली माँ का रोल अदा किया था। जब श्रीदेवी महज 13 साल की थी तब उन्होंने रजनीकांत की माँ का रोल अदा करने का ऑफर स्वीकार किया। फिल्म में उनकी उम्र 18 साल दिखाई गई है। फिल्म मुंद्रू मुदिचू की बात करें तो मूवी में श्रीदेवी ने सेल्वी का रोल अदा किया था। कमल हसन फिल्म में बालाजी और रजनीकांत प्रसाद बने थे। फिल्म की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो कि एक ही लड़की यानी श्रीदेवी पर अपना दिल हार बैठते हैं। बालाजी जहां अपने दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा करता है तो वहीं प्रसाद उसकी दोस्ती में दगाबाजी करता है। सेल्वी को प्रसाद यानी रजनीकांत की नीयत का पहले से ही अंदाजा होता है। वो बालाजी को बताने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं सुनता। एक दिन तीनों जब ट्रिप पर जाते हैं तो बालाजी डूबने लगता है और प्रसाद अपने दोस्त को नहीं बचाता। सेल्वी अपने प्यार को खो देती है। जब वो घर आती है तो उसकी बड़ी बहन के साथ भी दुर्घटना हो जाती है। मजबूर सेल्वी एक विज्ञापन में देखती है कि एक अमीर आदमी शादी के लिए दुल्हन तलाश रहा है। जब सेल्वी उसके घर पहुंचती है तो आदमी सेल्वी की उम्र देखकर उसे शादी के लिए इनकार कर देता है लेकिन उसे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। बाद में सेल्वी को ये पता लगता है कि वो जिस घर में काम कर रही है वो प्रसाद के पिता का ही घर है। प्रसाद घर पर सेल्वी को देखने के बाद उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है लेकिन वो राजी नहीं होती। एक बार जब प्रसाद घर पर नहीं होता तो सेल्वी चुपचाप से उसके पापा से शादी कर लेती है और उसकी सौतेली माँ बन जाती है। बदले की ये कहानी काफी दिलचस्प है। श्रीदेवी और रजनीकांत की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी हिट रही। मुंद्रू मुदिचू के अलावा उन्होंने साथ में गायत्री, कवि कोयल, लव इन सिंगापुर, धर्मयुद्धम, जॉनी उस्ताद, चालबाज, पोकरी राजा, भगवान दादा और गैर कानूनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।